ना होते तो मैं पता नहीं क्या करती, मैं किसी और को तो कह भी ना पाती। ब्लड प्रेशर तो आप पहले बताती मुझे, मैं किसी डॉक्टर को फोन करता, अपॉइंटमेंट लेता उनके लिए, बल्कि मैं उनको खुद फोन करके बोलता। नहीं नहीं नहीं, अभी वो सो रही होंगी ना, टाइम देखें क्या हो गया, अभी रहने दें फोन, अभी ना करें। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, सुना तुमने? मैं आपके भाइयों की तरह हूँ, आप मुझसे कुछ भी बिला झिझक बात कर सकती हैं। जी जरूर, कोई मसला होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी आपसे। अम्मा आप ठीक हैं? बस उन्हीं की वजह से हम सब बहुत उलझे हुए थे। सर ये फाइल आप देख लीजिएगा। इंतखाब गलत नहीं था उसका, रास्ता गलत इख्तियार किया है उसने, मंजिल उसकी आमिर ही था। अम्मी अगर शुरू में मान जाती ना तो हम इस बदनामी से बच जाते। पता है मैं ना सोया के लिए बहुत खुश हूँ, आमिर उसे खुश रखेगा। जिस तरह वो अपनी माँ के सामने खड़े होकर जोया के लिए लड़ रहा था ना, मुझे तलाल याद आ गया। मोहब्बत वफा के बगैर अधूरी है, और आमिर साथ निभाएगा जोया का। क्या पता तुम्हारी जिंदगी में भी कोई बावफा शख्स आ जाए। मेरी किस्मत में यही। तुम मायूस नहीं होते बानो? जरूरी है ये बातें करना भी। आप अंधेरे में क्यों खड़े हैं? क्योंकि मुझे अंधेरे में रखा गया है। मुझे आप लेने नहीं आए? क्योंकि मैं नहीं चाहता था आप मुझसे झूठ बोले। क्या मतलब? और मुझसे झूठ बोला जाता नहीं। वासित ऐसा क्या हो गया? मैंने देखा आप फाद के साथ कितनी कंफर्टेबल थी। क्या? वासित आप गलत समझ रहे हैं। सही कह रही हो तुम, शायद मैं समझ ही नहीं पाया। तुम फाद से बातें करती रही, मुझे ये कह के बानो से बात कर रही हो। बानो अपनी बहन का झूठ छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठ बोलती रही। क्या समझ रही थी आप अंधेरे में रखेंगी, मैं अंधा रहूंगा? वासित मैं आपको सब बताना चाहती थी। अपना झूठ पकड़ा जाने के बाद? नहीं वासित, आपको गलत फहमी हो रही है, मेरी बात पे यकीन करें प्लीज। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कर सकती हो, पर आई एम नॉट अ पपेट। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। ये जो ट्रस्ट होता है ना, इसको बनाते हुए सालों लगते हैं और एक लम्हे में जाते हैं। क्या बात है? कैसे कैसे? अच्छा हुआ तो आंटी को भी ले आया। कैसी है आंटी? अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटे। मुझे पता था कि संडे तू घर पे होगा,
और मामा को भी तो मिलाना था आयशा भाभी से। अच्छा तो ये बात है, असल में तू आंटी को आयशा से मिलवाने के लिए लेकर आया। और आंटी देखिए, मैं समझ रहा हूँ ये आपको मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आया। मैं आपसे ही मिलने आई हूँ बेटा, और क्यों नहीं आती? इस बार तो वैसे भी पाकिस्तान काफ़ी टाइम के बाद मेरा आना हुआ। तुम्हारी मदर का सुन के बहुत अफसोस हुआ। फहद बता रहा था वो यहीं वापस आ गई थी तुम्हारे पास। जी वो यहीं थी। आयशा भाभी किधर हैं? अपनी बीवी से नहीं मिलाएगा मामा को? अपने कमरे में। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है उनकी? मैं कॉल कर रहा था, फोन भी नहीं उठा रही थी। अच्छा तेरा फोन नहीं उठा रही थी, हैरत है। वरना आजकल जो बात भी करती है वो तुझसे ही करती है। करीम, करीम। जी साहब। करीम जाके बोलो मेहमान आए हैं पाजी को, बल्कि बोलो फहद आया, जल्दी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं किसको मिलाने लाया हूँ आपसे। ठीक हूँ बेटा, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। ये आयशा है, फहमीदा आंटी, फहद की अम्मी। जी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। फहद तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। अच्छा मैं कुत्ती कॉल्स कर रहा था, आपने फोन ही नहीं उठाया। मैं बासित से ही पूछ रहा था, सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है माशाल्लाह, बहुत प्यारी जोड़ी। अम्मा आपको खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा बना है। इतने सालों से हम बाहर रह रहे हैं लेकिन अपने यहाँ का खाना बिल्कुल नहीं भूले, बहुत मिस करते हैं। आयशा भाभी इज द बेस्ट कुक, सब कुछ इतना फिट बनाती हैं। Really? इनको तो बस आदत है मेरे खाने की तारीफ करने की। नहीं बेटा बाकी बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, अपने जैसी लायक और जिम्मेदार लड़की इस नालायक के लिए भी ढूंढो। अम्मा प्लीज आप फिर से मत शुरू हो जाना। क्यों नहीं कहूँ? बासित बेटा तुम ही इसको समझाओ कि ये शादी कर ले, क्यों अकेले जिंदगी नहीं गुजरा करती? लेकिन ये है कि मेरी बात मानता ही नहीं। सही कह रही हैं आंटी, शादी कर ले। अब आयशा भाभी जैसी कुछ समझदार लड़की मिले तब ना। मुझे लगता है तुझे आंटी को दिल की बात कह देनी चाहिए। दिल की बात? क्या बात? अबे बस कर यार फहद, मुझसे भी छुपाएगा, मतलब मुझसे छुपाएगा। अभी तो कंफर्टेबल नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, फिर बता दे। पासे? क्या पासे? सही बात है, फहद तो तुमसे मिलने रोज आ ही जाता था, आज अम्मा भी आ गई। यहाँ पे गैर जरूरी तो मैं ही हूँ। नहीं अब अम्मा वो काशिफ की तरफ जाना है, उसकी फ्लाइट है लेटर टुनाइट। आई थिंक वी शुड लीव। लेकिन बेटा अब अम्मा चले ना। थैंक यू सो मच मिस्टर बासित, थैंक यू सो मच फॉर द फूड। बेटा मैं चलती हूँ, बाद में तुमसे आकर मिलूंगी, अभी पता नहीं इसको कौन सा जरूरी काम याद आ गया। थैंक यू सो मच बासित, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।
बासित सर, ये जोविडॉन का रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट है, ये फाइल आप मीटिंग से पहले देख लीजिएगा और दूसरे में आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए। ये फाइल्स आपने चेक कर लिया? जी सर, मैंने ही बनाई। तो फिर मीटिंग भी आप ही कर लें। मैं? I trust you, I know you can handle it. आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस मैं घर जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी तबीयत है भाभी आपकी? ठीक, आप बताएं कैसे आना हुआ फहद? एक्चुअली भाभी, मुझे पता था कि बासित इस वक्त ऑफिस में होगा और मैं ये बात आपसे मैसेज पे नहीं करना चाहता। अगर आप बासित के कल रात के रवैये की वजह से आए तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे लगता है वो डिस्टर्ब हैं, शायद इसलिए ऐसी बातें कर गए। नहीं नहीं भाभी, बासित मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे भाइयों की तरह है। वो मुझसे बार बार पूछ रहा है कि तुम्हारे और आयशा के बीच क्या बात हुई। भाभी, मुझसे और झूठ नहीं बोल सकता, मुझे लगता है उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मुझे भी लगता है उन्हें बता देनी चाहिए, बस ये उलझन ही खत्म हो। बासित, 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 एक्चुअली बासित तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुझे क्या समझता रहा और तू क्या निकला? बासित, निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। तुम पछताओगे बासित। बकवास बंद कर, वरना दोस्ती का मान रख रहा हूं वो भी नहीं रखूंगा, धक्के मार के बाहर निकालूंगा। ये क्या किया आपने? क्या किया मैंने? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि क्या किया तुमने। मेरा दोस्त यहां पे मेरी गैर मौजूदगी में क्या कर रहा था, जवाब दो। फहद आपका दोस्त है, आपके भाइयों जैसे, बचपन से आ रहा है इस घर में। अरे मेरे भाइयों जैसा था ना, तुम्हारे तो नहीं। हम जानते भी आप क्या कह रहे हैं। तुम्हें मेरी मां जैसी निकली ना, मैं बहुत हैरान था कि कोई किसी को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है। उनके चेहरे पे कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई एहसास नहीं था। आप मुझ पे शक कर रहे हैं बासित। मैं किसी से भी शादी कर सकता था, लेकिन मैंने तुमसे शादी करी ये सोच के कि तुमने हार्ड टाइम्स देखे, तंगदस्ती और उससे मिलने वाली बेबसी। क्या सबको सबको दुख और तकलीफ एक सा महसूस नहीं होता? हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लिए ये सब कुछ काफी होगा, पर अफसोस औरत के लिए कभी भी काफी नहीं होता। तुमने मान लिया तुम एक झूठी औरत हो, तो तुम अब तक यहाँ पे मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं, निकल जाओ मेरे घर से।
इस इल्जाम को लिए कहीं नहीं जाऊंगी मैं, आपको वजाहतें पेश नहीं करूंगी। आप अंधेरों के आदी हैं, आपको तो सच दिखाई नहीं देगा। तो फिर तुम इधर क्या कर रही हो? निकलो मेरे घर से। मेरा हाथ छोड़े से नहीं, वासित मेरा कुसूर नहीं है, वासित नहीं, ये डिजर्व नहीं करती, मेरा कुसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे दोस्त के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। नहीं अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। वासित वासित नहीं, आप बीवी का मान खो रहे हैं, वासित छोड़ दे रहा हाथ। मान माय डैम फुट। वासित लोग देखे, गाड़ी निकालो। वासित लोग देख रहे हैं, मेरी जिंदगी पर बात करने का शुक्रिया। घर जा गया उसको। आलू बैंगन ही बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि सादे आलू तो कल भी बनाए थे। ठीक है, साथ में अचार पड़ा था। अरे आयशा आओ आओ, अच्छा किया तुम आ गई, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है आयशा? आज तो बासित भी घर पर हो गई, अकेली आई है। ये ठीक है इसकी? आयशा तुम कैसे आई? वासित भाई आए साथ? आज पता है मीटिंग के लिए सारे क्लाइंट्स मुझे हैंडओवर करके चले गए। जाने कब से ये बात दिल में लिए बैठा था। तो खुद हैरान हूं, आई एम लिटरली शॉक्ड। मैं आयशा भाभी की बहुत इज्जत करता हूं, बासित इतना घटिया कैसे सोच सकता है? बेतबारी और उसकी भी कोई हद नहीं। मुझे तो उसकी जहनी हालत पर शक हो रहा है। वो खुद मुझे कॉल्स करके बुलाता है, आप तो जानती हैं हम बचपन से। किसी बात का तो अफसोस है, रहम आ रहा है मुझे आयशा, बेचारी बच्ची रुल गई। मुझे उस पर इतना गुस्सा है मामा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे वैसा ही जोर से थप्पड़ रसीद करूं ताकि उसे एहसास हो। उसने हमारी दोस्ती को गाली दी है, अपने रिश्ते को गाली दी है। अगर ऐसा करते तो बात और बिगड़ जाती। ही इज मेंटली सिक, वो जहनी तौर पर अभी तक अपनी माँ का वाकया नहीं भूला। ये बात तो आयशा जान गई होगी। बासित लायक ही नहीं आयशा के, बहुत हर्ट किया उसने आयशा को। बहरहाल उनके दरमियान जो भी हो, वो दोनों मियां बीवी जाने, तुम उनसे रابطے में मत रहना बेटा, इतनी तंग नजर रखता है। सादी आंटी के बाद वो इतना डिस्टर्ब रहा है,
लेकिन इसके बाद तो आई एम श्योर ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। उसने दोस्ती का पास नहीं रखा। वो अकेला था अंकल की डेथ के बाद। मुझे बार बार बुलाता था, मैं भी चला जाता था दोस्ती की खातिर। तरस आता था मुझे उसकी हालत में। मुझे क्या पता था कि इस कदर गिरी हुई सोच है उसकी। अक्सर हद से ज्यादा करीब होना इंसान को बहुत मुश्किल में डाल देता है, फिर वो चाहे कितना ही गहरा ताल्लुक क्यों ना हो। आयशा क्या हुआ है? हाँ आओ आओ बैठो आओ। पानी लाऊं मैं तुम्हारे लिए? हुआ क्या है? बहुत परेशान लग रही हो तुम, कुछ तो बताओ। बासित आया नीचे? शायद मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था ऐशा से, किसी चीज का एहसास नहीं मांगा, बदले में बस थोड़ी सी वफा चाहिए थी जो आपकी बहन से हो नहीं पाया। अम्मा हम बाहर जा रहे हैं। हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन पूछ सकती हूँ कि कहाँ जा रहे हो? वो मेरे दोस्त ने एक दावत की है तो। जो तुम रोज रोज दावत का बहाना करके इसको घुमाने फिराने लेकर जाते हो ना, इससे इसकी आदत बिगड़ जाएगी। आपके आराम करने के दिन है, हम दावत पे जाए या बाहर घूमने, आपको क्या परेशानी है? सुना कितना नखरा है इसका। पता है, जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से जिस महलों से तुम आई हो। हम तुम्हें ब्याह करने लाए, भाग कर आई हो तुम। आमिर का लिहाज कर रही हूँ, वरना जवाब देना मुझे भी आता है। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जिस तरह तुमने इसको उल्लू बनाया हुआ ना, तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, हमें तो भूल ही गया ये। मॉम प्लीज, तो क्या हो गया अगर हम डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं? हाँ हाँ, बाप का पैसा है, उड़ाओ उड़ाओ, तुम्हारा क्या जाता है? तुमने कौन सा कमा के लाना है जो एहसास हो? तुमने तो बस तैयार होना है और चले जाना। आप लोगों को हो क्या गया है? कभी इस तरीके से पहले तो मुझे कभी नहीं रोका। अब मैं आ गई हूँ ना, ये सारी बातें तुम्हें सुननी पड़ेंगी। गाड़ी में बैठी हूँ, ये बहस खत्म हो तो आ जाना। बिल्किस, ये लड़की तो हमारी सोच से भी ज्यादा तेज है। जी बेटा, शादी के बाद ना अपने तौर तरीके बदलने पड़ते हैं। घर की बहू बेटियां इतनी देर तक बाहर रहें अच्छी बात नहीं है। अच्छा ना, तो आ जाएंगे जल्दी वापस, अब जाने तो दें। न जाने मेरे मासूम बेटे को क्या घोल कर पिला दिया है। हाँ, अपने बच्चे को कभी कुछ मत कहना। आयशा ऐसा क्या कर दिया तुमने कि उसने हाथ पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है? कुछ तो तुमने भी कहा होगा ना। अरे ये उखड़े अंदाज में बात करती है उससे, सीधे उल्टे जवाब देती है। काश अब वो सुनती जो बासित ने मुझे कहा। उसने मुझ पर शक किया। कैसा शक? कि मैं अच्छी बीवी नहीं। आयशा आयशा, मुझे बहुत मान है तुम पर, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि बासित ने तुम्हें घर से निकाल दिया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और क्यों मैं हर एक को सफाइयां देती रहूं? नफरत है मुझे उस आदमी से। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये क्या कह कर गई है? आपको समझ नहीं है कि आयशा ने क्या कहा है, उसकी बातों का क्या मतलब है? अरे भाई, मियां बीवी में 100 लड़ाई झगड़े हो जाते हैं लेकिन फिर सुलह हो जाती है। निकाल दिया उसे बासित ने घर से, लगता है कि आयशा का और फहद का कोई ताल्लुक है। इसे कुछ एहसास नहीं है कि खानदान में मोहल्ले में सर उठाकर इज्जत से जीती हूं मैं। अगर बासित ने कुछ ऐसा वैसा,
बासित के नाम पर इज्जत और पैसे बटोरना बंद कर दे, मजाक बनता है हमारा। लोगों के सामने इज्जत बनाने के चक्कर में आपने हमारी ख्वाहिशों की कुर्बानियां दे दी। और कौन है ये लोग जिनसे आप इतना डरती और हमें जिंदगी भर डरा के रखा? ये ना करो लोग क्या कहेंगे, वैसे ना करो लोग क्या सोचेंगे? कौन है ये लोग और कहाँ थे जब हम महरूमियों से गुजर रहे थे? बड़े आदमी से ताल्लुक बना लेने से कोई इज्जत नहीं बन जाती। अरे बंद करो अपनी बकवास। एक तो ये जोया ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वो जुनेबी आई थी साथ वाली, कैसे कैसे सवाल किए हैं उसने, कितनी बातें की हैं, मेरा तो सर चकरा कर रह गया। और अब ये घर आकर बैठ गई है। बराए मेहरबानी बीबी, अगर तुम इस मसले का कोई हल नहीं निकाल सकती हो ना, तो खामोश रहो। मुझे आई सबक सिखाने। मिस्टर मुनव्वर और मिस्टर शुएब से बात हो गई है, मोहम्मद आरिफ साहब जैसे कॉन्फर्मेशन देते हैं आपको बता दें। यहाँ पे रखते हैं। वो मैं आपसे आयशा के बारे में बात करना चाह रही थी। मुझे मेरे पर्सनल मैटर्स ऑफिस में डिस्कस करना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप यहाँ इसी कुर्सी पर बैठ के फहद के साथ घंटों अपने दिल की बातें, अपनी जाती मामला शेयर किया करते थे। आज आप उसी अपने दोस्त पर शक कर रहे हैं जिससे आप अपनी दिल की बातें शेयर करते थे? माइंड योर ओन बिजनेस बानो, आपको मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है। आयशा की बहन होने के नाते उसके मुतालिक बात करना मेरा हक है। और शायद आप भूल रही हैं कि उसकी बहन होने के साथ साथ आप इस ऑफिस की एम्प्लॉई हैं। डू नॉट क्रॉस अ लाइन। हमारी हैसियत, हमारे हालात सब आपके सामने थे, उसके बावजूद आपने आयशा से शादी की, क्यों? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। किस बात की सजा दे रहे हैं आप आयशा को? या आप जाके आयशा से क्यों नहीं पूछती? यहाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि गलत फहमी पर टूट जाए। माना मेरी अम्मा ने आपसे पैसे लिए थे, उन्होंने लालच दिखाई थी, लेकिन इसमें आयशा का तो कोई कसूर नहीं था। कसूर मेरा है, शायद मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था आयशा से, किसी चीज का हिसाब नहीं मांगा, बदले में बस थोड़ी सी वफा चाहिए थी जो आपकी बहन से हो नहीं पाया। मिल गया जवाब। आयशा ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं नहीं जानना चाहता कि आपकी नजर में आपकी बहन कैसी है, और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। Just make sure you do not cross the line again. Please. मेरी मीटिंग है। सॉरी, मैं आपको पहचान ही नहीं। मैं समीना हूँ, यावर की बहन। अरे समीना, आप आए ना, आए। आप तो बिल्कुल भूल ही गई, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। बहुत अच्छा किया आप आ गई, आप बैठे। ये आपकी बेटी है? जी आयशा, बानू से छोटी है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको इतनी कॉल्स की पर आपने फोन ही नहीं उठाया। हाँ, वो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हो गया? बीपी हाई हो गया था मेरा, लेकिन खैर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए जोया कहाँ है, उसे तो बुलाएं। जोया कॉलेज गई है। चले कोई बात नहीं, जोया से मिलने में दोबारा आ जाऊंगी। आप मुझे ये बताएं, आपने क्या सोचा है, निकाह कब करना है, डेट कौन सी रखनी है? पहले भी हमारी सारी तैयारी हो गई थी, आपने ही पोस्टपोन कर दिया निकाह। शायद आपके रिश्तेदारों में कोई डेथ हो गई थी ना, और आप लोग हैदराबाद चले गए थे। लेकिन देखें, अब मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं करूंगी। आयशा जाओ, बॉबी से बोलो कि चाय लेकर आए। दरअसल मैं भी आपसे इसी सिलसिले में बात करना चाह रही थी। जी जी कहिए। दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि
उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि जोया उम्र में बहुत छोटी है यावर से। ये बात तो आपको रिश्ता तय करते वक्त सोचनी चाहिए थी ना। अब तो हमने अपने पूरे खानदान को बता दिया और मैंने तो आपको निकाह का सामान और मिठाई भी भिजवा दी थी ना। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप मुझे इतना मायूस करेंगी। खैर, आप हमारा सामान ले आइए। नहीं नहीं, मैं इनकार थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि आप थोड़ा इंतजार कर लें। मेरी बच्चियाँ बहुत फर्मा बरदार हैं मेरी, और उन्होंने सारे इख्तियार मुझे दे रखे हैं। जोया ने तो मुझसे कहा है कि मैं जहाँ चाहूँ उसकी शादी करूँ। चलें, अच्छी बात है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब आप बताइए ना, फिर कौन सी डेट फाइनल करें? करीम, करीम, जी साहब। ये घर का क्या हशर बनाया हुआ है? दरवाजा खुला हुआ है, लाइट्स खुली हुई हैं, और गाड़ियों का पार्किंग ऑर्डर क्यों चेंज है? जैसी बाबा खड़ी करते हैं गाड़ियां, हमेशा वैसी खड़ी होंगी। जी झूठ बोलने की क्या जरूरत थी हमें? सच बता देती। सुना नहीं था, सामान मांगने आई थी। अरे, लाखों का सामान तो लेकर वो जोया चली गई, कहाँ से देती उन्हें सामान? अपनी बेइज्जती करवाती, और क्या वो अपना सामान हमें माफ कर देती? सोच है तुम्हारी। सामान तो बाद में भी दे सकते थे ना, इस तरह झूठे आसरे देने की क्या जरूरत थी? कल ही जाऊंगी जोया की तरफ, सामान लाकर इन्हें भिजवा दूंगी, फिर कोई झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। ये तो बस अपनी जान छुड़ाने वाली बात है। तुम क्या चाहती हो? जोया के घर से भागकर निकाह वाली बात उन्हें बता देती? ये जो तजलील होती है ना, ये बड़ी जलील चीज है। कोई नहीं चाहता कि उसकी बुराई हो, उसकी बेइज्जती हो। तुमने बासित से झूठ क्यों बोला? बानो ने सब बता दिया है मुझे, क्यों लड़ा है बासित तुमसे? क्यों है कोई जवाब? क्यों झूठ बोला बासित से? क्यों छुपाया? अपनी साख, अपनी इज्जत बचाने की खातिर ना? बस वही कुछ मैंने भी किया। बासित से सुलह की बात की तुमने? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। पता है, जिस तरह आज उन्होंने मुझसे बात की है ना, उन्होंने कभी मुझसे ऐसे नहीं बोला। गुस्से में है ना, इसलिए। आयशा का कसूर क्या है? कसूर चाहे किसी का भी हो, इल्ज़ाम हमेशा औरत पर ही आता है, इसीलिए औरत को अपनी अना छोड़नी पड़ती है। सही कह रही खुद से भाभी। मेरे ख्याल में अगर ज़्यादा देर आयशा को यहाँ रोका तो बात बिगड़ सकती है। मैं खुद बात करूँगी बासित से। वो नहीं चाहता है कि कोई आयशा के और उसके बीच में कोई तीसरा है। तो किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। तो जोर देंगे तो भी बुरे ही बनेंगे। वैसे भी कसूर क्या है आयशा का इसमें?
उसे मौका दिया शक करने का, और मर्द के दिल में एक बार शक बैठ जाए ना तो फिर एतबार पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है कुछ वक्त गुजरने दें, शायद कोई हल निकल जाए। बैठे बैठाए तो कुछ भी नहीं होगा। पानी दो मुझे। साहब आपके लिए कॉफी लाऊं? कॉफी लाऊं आपके लिए? हाँ कॉफी ले आओ। जी और कुछ लेंगे आप? हाँ आयशा को भेजो। साहब आयशा बाजी तो घर पे नहीं है। पता है मुझे, तुम जाओ। मेरी तरह उसे कभी अबैंडन मत करना प्लीज। आई अंडरस्टैंड, आई एम आस्किंग फॉर टू मच प्लीज। जो मैंने किया वो मत करना, वरना वो कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सके। कभी एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा जो एक खुश और मुतमईन जिंदगी। अम्मी आयशा वो हम तुम यहाँ बैठी भी हो? मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई। आयशा तुम बासित को कॉल करोगी? उस आदमी ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाला, मेरे किरदार पे शक किया, मुझ पे इल्जाम लगाया। माफी उसे मांगनी चाहिए। तो तुम कह रही हो मैं उसे कॉल करूं? देखो मैं जानती हूं तुम दुखी हो, पर आयशा पर क्या उसने मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन किया बानो? उसके पास मुझे देने को कुछ नहीं है, ना प्यार ना एहसास और ना एतबार। अरे बेटा मसले बात करने से हल होते हैं, अगर बात ना की जाए तो गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। अम्मी आपने मुझे और मजबूर किया ना, मैं जोया की तरह घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं ना कुछ बोली सैया।